नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर, अपडेट ये है कि HSSC के चेयरमैन और सचिव को हाई कोर्ट ने तलब किया है और कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें हाई कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए कहा है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मामला। HSSC के चेयरमैन व सचिव को किया तलब, कांस्टेबल भर्ती मामले में रिकॉर्ड पेश करने में देरी पड़ी भारी। हाईकोर्ट अभिभावकों की मृत्यु के चलते मिलने वाले 5 अंकों से जुड़ा है विवाद। तो क्या कुछ मामला है, मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आई हुई है। 2018 की कांस्टेबल भर्ती मामले में रिकॉर्ड पेश करने में देरी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन व सचिव को खुद हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और याचिका में बताया गया कि उन्हें माता पिता की मृत्यु के आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त 5 अंकों के लाभ से वंचित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह इन 5 अंकों के लिए पात्र भी थे, लेकिन पिक एंड चूज की नीति अपनाते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि ऑनलाइन आवेदन देने के बारे में विवरण में यह जानकारी नहीं थी कि माता पिता और दोनों की मृत्यु का विवरण पेश करना अनिवार्य है। याचिका के अनुसार केवल पिता की मृत्यु का विवरण पेश करने को कहा गया था और इसके बाद जो है याचिकाकर्ता के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उनकी मां जीवित है। और याची ने बताया कि कई मामलों में ऐसे आवेदकों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया जिनकी मां जीवित है और हाईकोर्ट ने आयोग से कई सवाल पूछे थे और केस का रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया था। बार बार के आदेश के बावजूद जब रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो हाईकोर्ट ने सरकार को इस पर कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट ने कहा कि अब आयोग के चेयरमैन सचिव को ही पेश होकर इस पर जवाब देना होगा। तो इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि कोर्ट की कार्रवाई समाप्त होने से पहले रिकॉर्ड पेश कर दिया जाएगा। जब शाम करीब 4 बजे तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वीरवार को सुबह 10 बजे आयोग के चेयरमैन और सचिव खुद पेश होकर जवाब दाखिल करें, खासतौर पर उन आवेदकों से जुड़ा रिकॉर्ड पेश करना होगा जिनकी मां जीवित और उन्हें अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट, और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल साथ बने रहो, देखते रहे रियल इंडिया आपका अपना चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो, साथ ही अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।